रामचरितमानस पर बिहार से शुरू हुई बहस को उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे बढ़ाया तो सपा ने उसे भी लपक लिया। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को दलित और पिछड़ा विरोधी बताते हुए स्वामी प्रसाद लगातार मोर्चा खोले हुए हैं, तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी उसी बहाने क्षुद्र पॉलिटिक्स को धार दे रहे हैं। स्वामी प्रसाद के बयान का विरोध करने वाली सपा नेता ऋचा सिंह और रोली तिवारी को गुरुवार को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। सपा अपनी दोनों महिला नेताओं पर एक्शन लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खुलकर खड़े होने का नहीं बल्कि अपनी सियासी लाइन भी साफ कर दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को हटाने की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए बकायदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी को भी पत्र लिखकर कहा कि रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के आपत्तिजनक अंश, जिसमें समस्त महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को सामाजिक धार्मिक स्तर पर हमेशा अपमानित होना पड़ता है, इन चौपाइयों को संशोधित प्रतिबंधित किया जाए। इस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य मोर्चा खोले हुए हैं, जिसकी वजह से सपा के अंदर दो धड़े बन गए हैं। एक स्वामी प्रसाद के विरोध में है तो एक समर्थन में है। आपको बता दें कि रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह ने लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर विरोध में मोर्चा खोल रखा था और सोशल मीडिया में हर रोज लिख रही थी। ऋचा और रोली का स्वामी प्रसाद पर हमला करना पार्टी को नागवार गुजर रहा है, जिसके चलते उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस तरह से अखिलेश यादव ने दोनों नेताओं पर एक्शन लेकर कई तरह की सियासी संदेश देने की कवायद की है।